किया जा रहा है। ये किस तरह की स्थिति बनाई गई है कैंपस में? मैं उस विश्वविद्यालय का पूर्व विद्यार्थी हूं और उस पूर्व विद्यार्थी के नाते जो यहां विद्यार्थी बैठे हैं बीएचयू के, जानते हैं कि विश्वविद्यालय का जो कुलगीत है उस कुलगीत को मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने लिखा था। उस कुलगीत में एक पंक्ति आती है कि यहां की यह शिक्षा है कि यहां पर सत्य सबसे पहले है आत्मरक्षा बाद में। वहां के कुलपति इन दिनों अपनी आत्मरक्षा में वहां सत्य का बलिदान कर रहे हैं, सच्चाई को मारने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लड़कियों पर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय को चलाना मुश्किल हो जाएगा अगर हर लड़की की बात सुनी गई तो। मैं समझता हूं कि ये एक तरह से उस विश्वविद्यालय के कुलपति होने का नैतिक हक वो खो चुके हैं। उनको एक मिनट भी उस विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नहीं रहना चाहिए जहां आज प्रोफेसर राधाकृष्णन और आचार्य नरेंद्र देव जैसे कुलपति रहे हों।